हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता में योग्य हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के सोमनाथ अरुण भोसले, महाराष्ट्र राज्य युवा अघाड़ी अध्यक्ष, अमित सोनावने, हेमंत कांबले, युवराज काबले, विश्वजीत सर्वदे और अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में मुंबई मराठी पत्रकार संघ में पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जिसमें के सोमनाथ अरुण भोसले ने पत्रकारों को बताया कि पिछले दो साल से पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे की पार्टी शिवसेना के साथ महागठबंधन में हिस्सा ले रही है, लेकिन अब तक पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता में कोई हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है, इसलिए आम्बेडकरी रिपब्लिकन में असंतोष है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जयदीप कवाड़े को विधान परिषद में मौका दिया जाए और चेहरे के तौर पर कैबिनेट में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि लोकशाही रन्ना भाव साठे की जयंती पर 1 अगस्त 2024 से पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी का सदस्यता अभियान राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर जोगेंद्र कावड़े सर और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जयदीप कावड़े द्वारा शुरू किया जाएगा। 15 अगस्त 2024 से पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, संविधान सम्मान लॉन्ग मार्च के प्रणेता जयदीप भाई कवाड़े और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में ऐतिहासिक दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि शिवशक्ति भीमशक्ति आशीर्वाद महायात्रा शुरू की जाएगी। लॉन्ग मार्च के प्रणेता पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर जोगेंद्र कावड़े इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। साथ ही पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ने महागठबंधन के नेताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से कम 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का अनुरोध किया है। पिछले दो वर्षों से मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे की शिवसेना के पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के साथ महागठबंधन में भाग ले रहे हैं, लेकिन अभी तक पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता में कोई हिस्सेदारी नहीं मिली है, क्योंकि राज्य में आम्बेडकरी रिपब्लिकन असंतुष्ट है, इसलिए पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता में उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। महागठबंधन सरकार में सत्ता और रिपब्लिकन चेहरे के तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जयदीप कवाड़े को विधान परिषद में मौका देने और कैबिनेट में शामिल करने की कार्यकर्ताओं की मांग है। एक, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता में उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। दो, लोकशाही रन्ना भाव साठे की जयंती पर 1 अगस्त 2024 से पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी का सदस्यता अभियान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय द्वारा आयोजित किया गया था। अभियान की शुरुआत जोगेंद्र कवाड़े और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जयदीप कवाड़े करेंगे। तीन, 15 अगस्त 2024 से ऐतिहासिक दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि तक शिवशक्ति भीमशक्ति आशीर्वाद महायात्रा पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, संविधान सम्मान लॉन्ग मार्च प्रणेता जयदीप भाई कवाड़े और मुख्यमंत्री माननीय के नेतृत्व में शुरू की जाएगी। एकनाथ शिंदे साहब के साथ साथ लॉन्ग मार्च के प्रणेता पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र कवाड़े करेंगे। चार, साथ ही पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने मांग की है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन कम से कम 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े। दो, उम्मीदवार मुंबई में और अन्य उम्मीदवार महाराष्ट्र में उतारे जाएंगे। साथ ही मुझे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहब पर भरोसा है, इसलिए सोमनाथ अरुण भोसले ने कहा कि वह हमारी मांग पूरी करेंगे और पत्रकारों व मीडिया से बातचीत किया। आप सभी पत्रकार बंधुओं का पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का उद्देश्य वही था कि पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ने दो साल से जब से शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जब से मुख्यमंत्री हुए, तब से हमारी पार्टी उनके साथ में अलायंस में है। महायुति का एक घटक पक्ष है। महायुति के बाकी के घटक दलों को जो सम्मान महायुति सरकार में मिला, अभी तक के हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े सर और माननीय राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जयदीप भाई कवाड़े, इनको सत्ता में हमको स्थान चाहिए, इसलिए यह आज की प्रेस का आयोजन है। उसी प्रकार 1 अगस्त से यानी लोकशाही रन्ना भाऊ साठे इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर
पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से सदस्यता नोंदनी अभियान की शुरुआत की जा रही है। उसी प्रकार 15 अगस्त 2024 से जिस दीक्षा भूमि पे 1956 को बाबा साहब ने दीक्षा दे के हम सभी को उन उसी दीक्षा भूमि से पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जयदीप भाई गवाड़े इनके नेतृत्व में भूम शक्ति शिव शक्ति आशीर्वाद महायात्रा इसकी शुरुआत दीक्षा भूमि पे चैत्य भूमि ऐसी होने जा रही है। इसका पूरा नियोजन हमने कर चुके हैं, इसका पूरा रोड मैप आने वाले कुछ दिनों में हम आप सभी के सामने और एक बार पत्रकार परिषद लेके करने वाले हैं। इसका उद्घाटन दीक्षा भूमि में होगा जहाँ एक बड़ी सभा का आयोजन रहेगा। इस सभा का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब करेंगे और उसी प्रकार उस सभा का अध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े सर रहेंगे। और ऐसी पूरी 36 जिलों में यात्रा करके उसका समारोह चैत्य भूमि पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करके दादर के शिवाजी पार्क पे इसका सभा होगी। और उसी प्रकार आने वाले विधानसभा में हमने ये मांग रखी है महायुति के सभी नेताओं से कम महाराष्ट्र में 30 जगह पे हमारी पार्टी लड़ेगी और आपको उनको टिकट छोड़ना है।